हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछली वीडियोस में हमने अब तक ये पढ़ा है कि फ्रांस में कैसे रेवोल्यूशन यानी कि सरकार चेंज हुई और उसकी वजह से पूरे यूरोप में और फ्रांस में क्या बदलाव आए। हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ते के बारे में। आई एम श्योर आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ते कौन था और उसने क्या किया, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है नेपोलियन की। आई होप आपने ये पिक्चर पहले भी देखी होगी क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। अब हम समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे कौन था। नेपोलियन बोनापार्टे एक कॉन्करर था। कॉन्करर यानी कि वो लोग जो अपनी आर्मीज की मदद से और देशों की आर्मीज को हटाकर यानी कि हरा कर वहां पर अपना राज यानी कि रूल स्थापित करते। तो नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा कॉन्करर था। अब उसने क्या किया और कब किया वो हम देखते हैं। जैसा कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं कि नेपोलियन वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1804 टू 1815। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि 1789 में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन लाया गया जिसमें जो फ्रांस की पहली सरकार चल रही थी जिसमें एक राजा फ्रांस को रूल कर रहा था उसे हटाकर लोगों ने अपना रूल भार स्थापित किया। लेकिन 1804 में यानी 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस की आर्मीज को हरा दिया और वहां का राजा यानी कि एम्परर बन गया और 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन फ्रांस का राजा रहा। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय की डेमोक्रेसी जो कि फ्रांस में थी और रीइंट्रोड्यूस की मोनार्की। डेमोक्रेसी यानी उस तरह की सरकार जिसमें लोग अपने आप को खुद चला रहे हैं, अपनी सरकार को खुद चला रहे हैं, वोट देकर अपने में से ही कुछ लोग चुन रहे हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं, और मोनार्की यानी उस तरह की सरकार जिसमें एक राजा एक पूरे देश को चला रहा है। तो पहले फ्रांस में मोनार्की थी जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हटाकर डेमोक्रेसी में बदल दिया गया। लेकिन जब नेपोलियन ने फ्रांस को कॉन्कर किया यानी फ्रांस की आर्मीज को हराया तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि हटा दिया और रीइंट्रोड्यूस कर दिया यानी दोबारा से स्थापित कर दिया मोनार्की को, यानी कि एक ऐसी सरकार को जिसमें एक राजा एक देश को चलाएगा। लेकिन ये सब करने के अलावा नेपोलियन ने कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आगे चलकर फ्रांस को बहुत हेल्प करेंगे। अब वो चेंजेस क्या थे जिससे फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन यानी काम करने का तरीका बदल दिया गया, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी इस स्लाइड में पढ़ा कि नेपोलियन 1804 यानी कि 1804 में फ्रांस में आया था और 1804 में ही फ्रांस को चलाने के लिए उसने कुछ नई पॉलिसीज बनाई थी जिसे हम नेपोलियन एक कोड भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आपको इस स्लाइड में जो पिक्चर दिख रही है वो है नेपोलियन एक कोड की। अब हम एक एक करके हर एक कोड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको ये सब पता चलेगा कि नेपोलियन के आने की वजह से फ्रांस में क्या बदलाव लाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है रिटर्न टू मोनार्की, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि नेपोलियन के आने की वजह से जो फ्रांस की सरकार थी जिसे पहले फ्रांस के लोग खुद चला रहे थे वो दोबारा से चली गई एक रूलर के राज में जिसमें एक राजा एक फ्रांस को एक देश को चला रहा है यानी मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि कुछ रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव लाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यानी उस फील्ड में कि एक देश को कैसे चलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे। जो पहला पॉइंट था वो था रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जो लोग कुछ प्रिविलेजेस यानी कि फायदे उठा रहे थे एक पर्टिकुलर फैमिली में एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा होने की वजह से उन सब फायदों को हटा दिया गया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फ्रांस के जो लोग थे उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था और जो ऊपर की दो कैटेगरीज थी यानी कि जो फ्रांस के रूलर के परिवार के लोग थे और जो चर्च के लोग थे उन्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सब प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे। यानी कि अगर एक इंसान फ्रांस की फैमिली में जो फ्रांस की रूलिंग फैमिली है उसमें पैदा हो रहा है तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है और ऐसे सब प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने हटा दिया। उसके अलावा जो चेंज आया गया वो था इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कि कानून के सामने फ्रांस का हर एक सिटीजन यानी फ्रांस में रहने वाला हर एक इंसान बराबर है। यानी कि अगर एक
फ्रांस के पास जो राजा का परिवार है उसमें और एक गरीब फार्मर में भी लड़ाई होती है, तो कानून के सामने वो दोनों बराबर हैं और ठीक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। और उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लोग देश की जमीन को खरीद सकते थे और उस पर अपना काम कर सकते थे, जो कि पहले फ्रांस में नहीं था। उसके अलावा एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम्स बाय फ्रीइंग पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। जो फ्यूडल सिस्टम थे, यानी कि वो सिस्टम जिसमें लोगों को हर चीज करने से पहले सरकार को पैसे देने पड़ते थे, उन सब चीजों से पीजेंट्स को, यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोगों को नेपोलियन ने फ्री कर दिया, यानी कि हटा दिया। यानी कि लोग अब फ्रीली, यानी खुले तरीके से बिजनेस कर सकते थे, और हर एक बिजनेस करने से पहले उन्हें अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से बिजनेस जो था वो फ्रांस में इम्प्रूव हुआ। उसके अलावा रिमूव्ड किल रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन, यानी कि एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो टैक्सेस देने पड़ते थे, जैसे कि जो टोल टैक्सेस होते हैं जब हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना होता है, जो हमें देने पड़ते हैं, जो फ्रांस में पहले थे उन्हें हटा दिया गया। यानी कि जो गुड्स थे, यानी कि जो सामान था, उसे फ्रांस के हर एक राज्य तक आराम से पहुंचाया जा सकता था, और लोग भी फ्रांस में फ्रीली घूम सकते थे, यानी ट्रैवल कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी फ्रांस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यानी कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे नेपोलियन ने इम्प्रूव किया, यानी कि बेहतर किया। और कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कैसे लोग एक दूसरे से बात कर सकें जो कि एक दूसरे के पास नहीं रह रहे हैं, उस सिस्टम को भी नेपोलियन ने इम्प्रूव किया, यानी कि बेहतर बनाया। उसके अलावा यूनिफॉर्म लॉज, यानी सबके लिए सेम कानून बनाए गए, और वेट्स एंड मेजर्स नेशनल कर दिए गए, यानी कि जो चीजों को नापने और तोलने का सिस्टम है वो पूरे देश में एक सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे कि बिजनेस जो है वो बेटर तरीके से हो सके। तो ये थे नेपोलियनिक कोड के कुछ पॉइंट्स। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रिटर्न टू मोनार्की, यानी कि जो सरकार थी वो वापस चली गई एक राजा के रूल में, जो राजा था नेपोलियन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि सरकारी काम करने की चीजों में कुछ रिफॉर्म्स, यानी कि बदलाव लाए गए, वो कुछ इस प्रकार थे। रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जो बर्थ से कुछ लोगों को प्रिविलेजेस यानी फायदे मिल रहे थे, जैसे टैक्स ना देना, उन सभी फायदों को हटा दिया गया। कानून के सामने सबको इक्वल रखा गया, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। और प्रॉपर्टी खरीदने का राइट, यानी कि जमीन खरीदने का राइट लोगों को दिया गया, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम्स बाय फ्रीइंग पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, यानी कि जो सिस्टम फ्रांस में पहले चल रहा था, जिसमें पीजेंट्स को हर काम करने से पहले पैसे देने पड़ते थे सरकार को, उन सभी ड्यूज को, यानी एक्स्ट्रा टैक्सेस को हटा दिया गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में और चीजों को पहुंचाने में जो रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कानून लगाए जाते थे, उन सबको हटा दिया गया, जिसे हमने रिमूवल ऑफ गेट रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन कहा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के सिस्टम को, और जो लोग एक दूसरे से अलग दूर रह रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट यानी बातचीत करेंगे, उन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया, यानी बेहतर किया गया। और पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉज, यानी सबके लिए बराबर लॉज लाए गए। और जो वेट्स एंड मेजर्स, यानी चीजों को नापने और तोलने का सिस्टम था, वो पूरे देश में सेम, यानी कि एकदम सिमिलर कर दिया गया। आई होप आपको नेपोलियनिक कोड समझ आ चुका होगा। कोई भी डाउट्स के लिए आप एक्वेशन ऐप का फीड सेक्शन यूज कर सकते हैं, और क्विज में जाकर हमारा क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।